महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर आपको असली भारत को समझना है तो थर्ड क्लास में सफर करना चाहिए। थर्ड क्लास तो लाल बहादुर शास्त्री ने अपने रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान खत्म कर दिया, लेकिन उसकी जगह ले ली इस अनरिजर्व्ड डिब्बे ने, जिसको आम बोलचाल की भाषा में जनरल डब्बा भी कहा जाता है। हम इस जनरल डब्बे के यात्रियों से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हम परेशान इस बात को लेकर है कि भीड़ का आलम देखिए कि हम खुद ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इस डब्बे में हम चढ़े कैसे। ये भीड़ का आलम है, जनरल डब्बा है, अनरिजर्व टिकट वाले यात्री सफर करते हैं। आमतौर पर जिनकी यात्रा का जो पूरा कार्यक्रम है वो अचानक बनता है, और इनके लिए रेलवे के पास बहुत ज्यादा संसाधन होने चाहिए जो नहीं है, और नतीजा इस डब्बे में इस तरह की भीड़ के रूप में नजर आता है, जहां आप खुद हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से लोग बैठे हुए हैं और कितनी कम जगह पर ज्यादातर लोग बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी हैरानी इस बात को लेकर होती है, अगर आप सोचिए कि कैसे इस डब्बे में आप चढ़ेंगे, कैसे इस डब्बे में चढ़कर आप आगे पहुंचेंगे, ये एक बड़ी परेशानी है जो कहीं ना कहीं रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी को जरूर देखनी चाहिए कि कम से कम हर ट्रेन में जो अनरिजर्व डब्बे हैं उसकी संख्या बढ़ाई जाए। हम इस डब्बे में भी चढ़ेंगे और यात्रियों से बात करेंगे। हमने मुरादाबाद में कोशिश की थी कि हम इस अनरिजर्व डब्बे में चढ़ पाए, लेकिन नहीं चढ़ पाए। अब रामपुर स्टेशन आ चुका है, हम यहाँ पर कोशिश करेंगे, थोड़ी सी भीड़ जो है वो कम हुई है, और हम यहाँ पर कोशिश करेंगे इस ट्रेन में चढ़े और यात्रियों से बात करें। तो ये है अनरिजर्व डब्बा, जनरल क्लास कहते हैं इसको, और इसकी आप हालत देख सकते हैं, जितने लोग बैठे हैं उससे कहीं ज्यादा लोग खड़े हैं, और बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं है, चल जगह नहीं है। और जरूरत इस बात की है कि हर ट्रेन में जो है वो जनरल डब्बों की संख्या बढ़ाई जाए, कम से कम 3-4 जनरल डब्बे लगे तो थोड़ी सी हालत जो है वो बेहतर हो। इस डब्बे देख कर आप अंदाजा लगा सकते हैं, और ये एक सीधी सी बात है जो रेलवे प्रशासन भी समझता है, रेल मंत्री भी समझते हैं। हर बार कहा जाता है कि यात्रियों की सुविधा के लिए हम कुछ करेंगे, कुछ बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाता है। इस बार उम्मीद जरूर है रेल मंत्री से कि कुछ करे वो इन रेलवे यात्रियों के लिए, ऐसे यात्रियों के लिए जो कि जनरल डब्बे में सफर करते हैं। और यहाँ हम तमाम यात्रियों से बात करेंगे और उनके सुझाव जो है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हम इस वक्त जनरल क्लास में हैं और जनरल क्लास में पैसेंजर से बात करेंगे। आप सबसे पहले, रेल बजट आने वाला है तो रेल मंत्री से पहली मांग या पहला सुझाव आप क्या करने वाले हैं? तो यही कहेंगे कि हमारे जो सुविधा बढ़ाई जाए, इसके अंदर एक जनरल डिब्बा होता है, दो डिब्बे होते हैं, उसमें आधा तो विकलांगों के लिए कर दिया जाता है, आधा लेडीज के लिए कर दिया जाता है, जेंट्स के लिए एक ही डिब्बा होता है। कम से कम 3-4 डिब्बे बढ़ाए जाएं जो आदमी इसके अंदर सुविधा से अपना जर्नी कर सके। गरीब आदमियों के लिए तो यही एक जनरल डिब्बा होता है, इसी के अंदर हमारे को फैसिलिटी नहीं मिलती है, कहाँ बैठे हैं, ये कोई सामान रखने की जगह है, जहाँ पे सामान रखने की जगह वहाँ पे भी आदमी सो के जाता है। अब ये जनरल डब्बे में देखिए कि आमतौर पर जो होती है वो सामान रखने की जगह होती है, लेकिन चूंकि यात्री बहुत ज्यादा है तो किस तरह से बैठे हुए हैं, सिर्फ एक डब्बा जो है वो जनरल का लगा हुआ है, तमाम यात्री ये कह रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किल इनकी यात्रा होती होगी। इस बार भी फिर से उम्मीदों का बजट आने वाला है, आम यात्रियों को, आम आदमियों को बहुत सारी उम्मीदें फिर इस बजट से है, रेल मंत्री से बहुत सारी उम्मीदें हैं, और तमाम यात्रियों से जो है वो हम बात कर रहे हैं। फिर बजट आने वाला है, रेल मंत्री से क्या चाहेंगे आप, क्या करें वो आप लोगों के लिए? एक जनरल डिब्बा और बढ़ना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या काफी है और इससे आप भी नहीं पाते। ये जनरल डिब्बे का एक दूसरा हिस्सा है, आप देखिए कि तमाम जो चलने की जगह है उस पर तमाम लोग बैठे हुए हैं, और जो सीट जिनको मिल गई है वो खुशकिस्मत है और सीट छोड़कर उठेंगे नहीं, भले ही उनको टॉयलेट भी लगाओ, क्योंकि सीट से जैसे ही छोड़ेंगे उठेंगे उनकी सीट चली जाएगी, कोई और उस सीट पे कब्जा कर लेगा। तो ये सीट की मारामारी जनरल डब्बे में, हमारे नेता भी कुर्सी की मारामारी करते हैं, लेकिन ये दूसरी मारामारी है जो जद्दोजहद है सीट पाने की, ट्रेन में यात्रा करने की। और हर बार ये बातें उठती हैं कि जनरल डब्बों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, सुविधाएं बढ़ानी चाहिए, लेकिन ये मामला जस का तस रह जाता है। कई यात्री यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले महिला यात्री से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आप इस डब्बे में जितनी भीड़ है चढ़ कैसे पाई और कहाँ से चढ़ी आप? मजबूरी पर चढ़ना है भैया, तब जाना है, सफर करना है, फिलहाल चढ़ना है तो यही, पर ऐसा नहीं फिलहाल एक दो जनरल डिब्बा और बढ़ाना चाहिए, परेशानी होती है, सब इंसान ही है फिलहाल, कोई गरीब हो या अमीर हो, सबके लिए एक ही बराबर होना चाहिए। आपका क्या, आपकी तरफ से क्या आप सुझाव देंगे रेल मंत्री को बजट में, वो क्या करें? हमारी गवर्नमेंट बड़े बड़े आश्वासन देती है, करती कुछ नहीं है, सब कुछ अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, लोगों के लिए कुछ नहीं है, और चाहेंगे कि और ज्यादा डब्बे बढ़ाए जाए, गरीबों की और होगा, जनरल का डब्बे बढ़ेंगे तो फायदा होगा गरीबों का। हम जवानों का कुछ नहीं, बुजुर्गों का होता है, जो भी होता है, हम तो सफर कर लेते हैं, कैसे सफर करते हैं उनसे पूछे एक बार।
एक बात और कही जा रही है कि आप लोग जनरल डब्बे में सफर कर रहे हैं, कई बार कहा जाता है कि किराया बहुत कम है, किराया बढ़ना चाहिए, तो किराया बढ़े, अगर सुविधा बढ़े तो किराया भी बढ़े कुछ? किराया तो ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है, इन पिछले 6 महीने में 3 बार किराया बढ़ चुका है। रिटर्निंग टिकट रिटर्निंग फीस 30 रुपए हो चुकी है, जो कि पहले 10 रुपए थी। सुपर फास्ट एक्स्ट्रा चार्जेस 15 रुपीज हो चुका है, जो 10 रुपीज था। ऐसे ही डे टू डे बाई डे किराया बढ़ता जा रहा है। सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं है। ये 90 सीट का कोच है और इसमें 200 लोग भरे हुए हैं, जानवरों की तरह सफर कर रहे हैं लोग। मैं भी कर रहा हूँ, मुझे तो छोटी सी दूरी को तय करना है सफर, लेकिन ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि 90 सीट का कोच है तो 90 लोग ही इसमें इंटर कर पाएं। इसके लिए जो भी व्यवस्था करे सरकार, चाहे कोच बढ़ाए या कोई ऐसा सिस्टम लगाए जिससे 90 पैसेंजर ही इसके अंदर इंटर हो सके, जो कि आराम से बैठ ले। ये जनरल क्लास में सफर करने वाले यात्रियों की आवाज है और वाकई जब ये नजारा आप देखेंगे तो लगेगा आपको, आपका भी दिल ये कहेगा कि ठीक है रेल मंत्री जी, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन सबसे पहले ये काम तो जरूर कीजिए कि जनरल डब्बों की संख्या जो है वो ट्रेन में बढ़ाइए। हमारा सफर जारी है, जनरल डब्बे में ही हैं हम और तमाम यात्रियों से बात कर रहे हैं, और भी यात्रियों से बात करेंगे। रेल मंत्री अपना बजट पेश करने वाले हैं, सबसे पहला सुझाव या मांग आपको करना हो तो क्या करेंगे? रेलवे पर क्लीनिंग होना चाहिए, सिटी मिलनी चाहिए, रेलवे कम है, परेशानी बहुत है, बजट तो बढ़ाते जाते हैं वो, लेकिन सुविधा नहीं मिलती इतनी। आप सुझाव दीजिए, क्या आप कहेंगे रेल मंत्री को बजट के लिए? यात्री के लिए, महिलाओं के लिए बढ़िया से बैठाया जाए उसको, और धक्का धुक्की में सामान भी गायब हो जाती हैं, उसको बढ़िया से सीट मिले, सुविधा होनी चाहिए महिलाओं के लिए। पुरुष लोग उसमें रहते हैं भीड़ भड़के में, गहना गुड़िया जो भी पहने रहते हैं उसको छीन छीन आ जाता है, चोरी भी हो जाती है। जो रेल में खाने पीने की चीज होती है वो ट्रेन की होनी चाहिए, बाहर की नहीं होनी चाहिए। जैसे पानी होती है, पानी का बॉटल होता है, वो पानी जैसे भरते हैं बाहर में तो सील करते अपनी तरफ से सील लगाते हैं, ट्रेन में आएगा तो वो खुद कंपनी से सील होके आएगा। ये गंदा पानी आता है बाहर से, इसके लिए ट्रेन से ही सुविधा होनी चाहिए, खाने का पीने का सब ट्रेन से ही सुविधा होनी चाहिए। जनरल डब्बे में कुछ और यात्रियों से भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप रेल मंत्री को अगर कुछ मांग करना चाहे तो क्या मांग करेंगे कि क्या दे वो रेल बजट में? रेल बजट में महिलाओं की सुविधा, जैसे कि अलग डिब्बे में महिलाओं को बैठने की सुविधा होनी चाहिए। आपके हिसाब से क्या क्या सुझाव देंगे रेल मंत्री से, क्या मांग करेंगे आप? मांग यही है कि इसमें डिब्बे जर्नल बढ़ाए जाएं, पब्लिक को परेशानी हो रही है। आप क्या मांग करेंगे रेल मंत्री से, बजट में क्या करें वो? सर, रेल के अंदर कोई सुविधा नहीं मिलती, जनरल डिब्बे के अंदर बाथरूम की परेशानी है, पानी की परेशानी है, कुछ का आइटम मिलता है यहाँ पर। अब आप देखिए अब डिब्बे क्या हालत है, लेडीज कैसे बैठेगी, इंसान कैसे बैठेगा? 100 लोग भी हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, जहाँ आमतौर पर सामान रखने की जगह होती है, लेकिन मजबूरी है, यात्रा करना है, तो इसलिए वो ऊपर बैठ के भी यात्रा कर रहे हैं। इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, आपकी तरफ से क्या पहला सुझाव होगा रेल मंत्री जी को? ये है कि ये बोतल, इसकी कीमत लगभग मार्केट में 3-4 रुपए की आती है, ये 20 रुपए की यहाँ पर सब ये देते हैं, जबकि रेल नील का पानी अलग है, लेकिन उसको नहीं बेच के ये लोग 20 रुपए में बेच रहे हैं, और ये 3 रुपए की इन लोगों को मिलती है। तो इस तरह का अंधेर खाता चल रहा है रेलवे में, हर चीज में रेलवे में। अगर कोई टिकट उसमें स्लीपर में धोखे से बैठ जाए तो उसको जुर्माना कुछ नहीं करेंगे, 500 रुपए लेंगे उससे, और खाली टिकट पे उसमें कुछ चोड़िया भी डाल देंगे, बाकी वो लेके बैठ जाएंगे। पानी की बोतल के बारे में कहा, वो भी हम कहना चाहेंगे। आप पानी की बोतल देखिए, ये ब्रांड है वीवो, पता नहीं कौन सा ब्रांड है। रेल मंत्रालय ये कहता है कि ट्रेन में जो है वो रेल नीर का पानी बिकना चाहिए, उसमें चूंकि प्रॉफिट मार्जिन कम होता है इसलिए वेंडर उसको बेचने के बजाय ये जो दूसरे किसी ब्रांड का, अननोन ब्रांड का जो पानी है, जो सेहत के लिहाज से भी अच्छा नहीं होता है, उस तरह का पानी ये बेचा जाता है, लेकिन मजबूरी में यात्रियों को जो है वो ये पानी भी पीना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। लगातार रेल मंत्रालय कोशिश करता रहता है, छापा भी मारा जाता है, कई जगह छापा मारा जाता है कि मजबूर किया जाए लोगों को, जो तमाम जो वेंडर है, कि सिर्फ वो रेल नीर का पानी बेचे, लेकिन इस पे लगाम नहीं लग पा रही है मंत्री जी, तो इसको लेकर आपको कुछ करना पड़ेगा। और ये पानी भी 20 रुपए का बेचा जाता है। जनरल डब्बे की हालत देखिए कि अंदर जगह नहीं मिली बैठने की भी, खड़े होने की, तो महिलाओं तक को और बुजुर्ग महिलाओं तक को गेट पे बैठ के सफर करना पड़ रहा है कि अंदर की गर्मी से कम निजात मिल सके, बाहर गेट पे सफर करें, लेकिन ये अपने आप में बहुत खतरनाक है, लेकिन मजबूरी है, चूंकि यात्रा करनी है तो इस वजह से यात्रा कर रही है, मजबूरी है। और ये जो हिस्सा है, मैं आपको बताऊं, टॉयलेट है यहाँ पर, लेकिन हालत ये देखिए कि टॉयलेट के पास भी यात्रियों को बैठकर सफर करना पड़ रहा है।
ये जनरल डब्बे की हालत है। टॉयलेट के पास भी, टॉयलेट के अंदर तक बैठकर यात्रियों को सफर करना पड़ता है। और यहाँ पे एक महिला जो अपने बच्चों के साथ है, अपने पूरे परिवार के साथ है, और कितना मुश्किल होगा इस हालात में जनरल क्लास में, जनरल डब्बे में सफर करना, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। कहाँ से चढ़ी आप ट्रेन में और कैसे चढ़ पाई, क्योंकि भीड़ तो बहुत ज्यादा थी? मैं दिल्ली से, मैं पहले ही आ गई, ट्रेन खाली थी, जगह मिल गई थी मेरे लिए। मैं तो गुड़गांव से आई हुई हूँ, हाँ जगह मिल गई थी तो आराम से बैठ गई थी, लेकिन बाद में भीड़ बढ़ी। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि टॉयलेट बच्चे कर रहे हैं, बार बार आने जाने में दिक्कत हो रही थी। अभी मंत्री जी अपना बजट पेश करने जा रहे हैं, तो क्या सुझाव, क्या मांग करेंगे आप मंत्री से कि वो बजट में क्या करें, खासतौर से ऐसे हालात में जब आपको यात्रा करनी पड़ रही है? इसी को सुधार कीजिए, भीड़ भाड़ कम हो, इसका कुछ अरेंजमेंट कीजिए कि क्या नाम भाई, इतनी प्रॉब्लम हो रही है सबके लिए, पैसेंजर सारे परेशान हो रहे हैं।